ये जो बोनियाबा है और इसको हाथों से ही दोस्तों, आप लोगों को बता दूं बहुत ज्यादा धूप है। आज जा रहा हूं बैम्बू लाने के लिए। अभी तो पूरा फुल सीजन नहीं है, लेकिन फिर भी अभी कुछ कुछ बैम्बू निकल रहे हैं छोटा-छोटा करके। जुलाई का लास्ट महीना और अगस्त में पूरा अवेलेबल होता है। हम लोग बहुत ही जल्दी आगे आए हैं अभी, मतलब तो फिर भी अभी दो तीन निकल रहे हैं, तो अभी काटते हैं। आप लोग देख रहे हैं, और ये हम जो ले रहे हैं इसको हम लोग हालोंग बोलते हैं। एक्चुअली पुराने जमाने में, मतलब बैग वगैरह जब होता नहीं था, तब ऐसा यहाँ से ही मतलब सामान वगैरह भराते हैं ऐसे में। तो इसको ही बुक के लेके जाते हैं, लकड़ी वगैरह सामान तामान हो जो भी, इसी से मतलब काम चलता है। तो ये पुराने जमाने के सामान अभी भी अवेलेबल है, अभी भी बाबा लोग को आता है कि कैसे कैसे बनाते हैं। तो अभी चलो बैम्बू काटते हैं। ये देख सकते हो, ये गाइस देख सकते हो बेबी छोटा निकल रहा है यहाँ में। ये लोग बड़ा हो लेने दो। ये गाइस देखो, बैम्बू फाइनली दो काट लिया है दोस्तों। ये देखो एक और दो, और भी एक है यहाँ पे। ये देखो इतना मजा से निकल रहा है, इसको खाने में बहुत टेस्टी होगा गाहरी मांसों के साथ। तो तीन ही हो जाएगा, तीन ही बहुत ज्यादा है। अभी जो मैंने काटा था उसको हम लोग भुलुका बा बोलते हैं, यानी कि मतलब भुलुका बैम्बू उसका नाम है। इसको मतलब हम लोग खा सकते हैं, मतलब खाने में सिर्फ यूज़ होता है वो वाला बा। बड़ा बैम्बू जो बड़ा होकर भी उसका मतलब काम नहीं है। तो अभी हम लोग और एक बैम्बू का गच में आया है, पर क्योंकि बैम्बू का बहुत अलग अलग वेराइटीज़ है, तो अभी हम लोग जंगली बैम्बू मतलब काटने के लिए आया है। देखो ये है बैम्बू, ये जो जंगल का है, जंगली बा बोलता है इसको। और यहाँ पे थोड़ा बड़ा बड़ा करके निकल रहा है। ये जो देख सकते हो, ये जो काफी ज़रा लंबा हो चुका है, लेकिन कुछ भी नहीं, इसको भी यूज कर सकता है, खा सकता है। इसको यहाँ पे पकड़ना है और यहाँ पे देखो, ये सब तुमोलिया है, ये सब बेबी है, ये सब खा सकता है। यहाँ पे भी है। और एक मिल रहा है मुझे, ये देखो गाइस, बहुत ही मजा से ये एक है। देखो ये भी एक, और ये भी एक है दोस्तों। देखो ये भी एक है, ये भी एक है। मिल गया है, काफी ज्यादा मच्छर है, क्योंकि मतलब बैम्बू जहां में भी होता है, बांग जहां में भी होता है, काफी ज्यादा मच्छर होता है। तो बहुत ही ज्यादा मच्छर काट रहा है, डेंगू मलेरिया हो सका। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं। चलो, काफी ज्यादा बैम्बू मुझे मिल चुका है, तो अभी इसको लेके चलते हैं अभी एक छांव में बैठने के लिए। काफी
काफी ज्यादा मैंने बेम्बोस ले लिया है। अभी एक छांव जगह में जाते हैं, वहां पे बेम्बू का जितने भी यहाँ पे मतलब बाकोली है सबको हटा देंगे, उसका बाद अच्छा से रिलैक्स करके बैठते हैं। काफी ज्यादा धूप है और आप लोगों को बता दो यहाँ पे बेम्बू पूरा अवेलेबल है हम लोगों का बस्ती में। हम लोग यहाँ से बेम्बू को सब्जी भी खाते हैं, बेम्बू से जब बेम्बू बड़ा हो जाता है उसके बाद उसे घर भी बनाते हैं। हर चीज मतलब बेम्बू से ही होता है, प्राय फक हम लोग बेम्बू ही यूज़ करते हैं, घर भी हम लोग का बेम्बू का ही होता है। तो अभी बहुत ही ज़्यादा धूप है और बहुत ज़्यादा ऐसा महसूस हो कि बहुत ही हल्का है, बहुत ही ज़्यादा धूप, बहुत ही ज़्यादा भारी है। मैं जो अभी लेके आ रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा भारी हो रहा है दोस्तों, आई थिंक 10 किलो 15-20 किलो जैसा होगा, बहुत भारी लग रहा है। काफ़ी ज़्यादा गर्म है दोस्तों आप लोग को बता दूँ, और यहाँ पे मोमाई, ओ माई गॉड, ये लोग डर रहा है क्या? और यहाँ पे मोमाई गर्म में रेस्ट कर रहा है, कैसा है? ठीक ही है। वाह, खेत में पूरा अकेले अकेले एकदम पूरा मजा से पूरा नेचर का हवा ले रहा है। पे देख सकते हो ये एक है, ये दो, ओहो हो ले लिया फाइनली। आप लोग बताना आप लोग का वहाँ पे कितना कितना में सेल होता है, यहाँ पे तो बड़ा फ्री अवेलेबल है, खरीदने से भी कोई नहीं लेगा। कहीं पे भी ना गाड़ी का आवाज़ है, ना किसी का हल्ला गुल्ला, सब में पूरा ओम शांति, पूरा शांति है दोस्तों। ये सब खेत है, गाय गोरू यहाँ पे अटैक ना कर पाए इसलिए ये बेरा लगाया है, ये भी बेम्बू से ही है। हम लोग का प्राय भक सामान हम लोग का बेम्बू से ही यूज़ होता है। बेम्बू हम लोग खाने में यूज़ करते हैं, हम लोग घर बनाने में यूज़ करते हैं, बहुत सारे कामों में बेम्बू बहुत ही काम आते हैं। ना इस साइड ना उस साइड कहीं में भी एक भी घर नहीं है, बस एक एलिफेंट फ्रूट यानी कि ये क्या बोलता है ये एलिफेंट एप्पल, यहाँ इसका घर में एक तंबू जैसे है, यहाँ पे ही आके रेस्ट कर रहे हैं हम। कैसा लग रहा है? मेरा पैर को देखो दोस्तों। तो गाइस अभी एक काम करते हैं, ये जो ड्रेस है ये सब हटा देते हैं यहाँ से। अभी गाइस यहीं पे साफ कर लेते हैं, यहाँ पे साफ करके अच्छे से चलते हैं और हम लोग समय पूरा ऐसे हम लोग। ये जो बोनियाबा है और इसको हाथों से ही हटा सकता है, मतलब इसका जो ड्रेस है हाथों से ही खोल सकता है बाकोली। ये वाला छिलका अभी कुछ ही देर के बाद पूरा सुअर आएगा फ्रेश फ्रेश खा के चला जाएगा, नहीं तो ये यहीं पे पच जाएगा, बाद में आहार बन जाता है, ये खेत के लिए अच्छा होता है ये सब। काफी ज्यादा भारी है लेकिन फिर भी लेके बहुत ही ज्यादा मजा लग रहा है, क्योंकि हम लोग बचपन से माथा पे ऐसे बुक 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 के ले लेके गया हूँ, इसलिए बहुत ही ज्यादा मजा लग रहा है। सब्जी हम लोग ज्यादातर खरीदता ही नहीं है, हम लोग पूरा घर में ही हम लोग
लगाते हैं, जंगल में अवेलेबल मिलता है। हम लोग सब्जी खरीदने के लिए जाता ही नहीं है, हम लोग खरीदते हैं सिर्फ तेल और उसके बाद दाल, बस वही खरीदते हैं कभी कभी, और कुछ भी नहीं खरीदते। सब गांव में मिल जाता है, सब बस्ती में मिल जाता है अवेलेबल, बारी में मिलता है, जंगल में मिलता है, बस अच्छा से ढूंढने के लिए जाना है। हम लोग तो बचपन से ढूंढते हैं, आप लोग ढूंढते हो कि नहीं आप लोग कॉमेंट करके बताना। आ गया फाइनली। काफी ज्यादा गर्म है दोस्तों, पास में आ जाओ, काफी ज्यादा गर्म है। अभी हम लोग मामा का घर में आए हैं पानी पीने के लिए, फ्रिज का पानी, क्योंकि हम लोग का घर में तो फ्रिज है नहीं, तो थोड़ा बहुत अभी रेस्ट कर लेते हैं। इतना गर्म में इतना कंटिन्यू पैदल चलते रहना मामूली बात नहीं है, इसलिए आकर रेस्ट ले लिया। इतना ठंडा पानी है, बहुत ही मजा लग रहा है। बहुत ही ज़्यादा गर्म है, और आप लोगों को बता दो ये है नानी माँ, और इसका उम्र 100+ है, अभी तक इतना स्ट्रांग है। कल परसों मेडिकल से आया है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, पुराने ज़माने का इंसान है, मतलब हम लोग का गांव में मतलब सबसे मतलब ओल्ड, सबसे मतलब उम्र रहने वाला ये आबोई है, और अभी तक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और आबोई कुछ बोलो। हाय आबोई, हाय, कुछ बोलो। अच्छा से अभी धोएंगे, बाद में धो के अच्छा से रात को सब्जी बना के खाएंगे। ऊपर में पंखा चल रहा है, मजा लग रहा है, पंखा मकान हवा लेके बहुत मजा, गर्म लग रहा था अभी, बहुत मजा नहीं। ये सब हम लोग का बकरी है दोस्तों। चलो घर, चलो घर, चलो घर, चलो घर, चलो। हम लोग जा ही रहे थे, दिबांग मुझे बुलाया यहाँ पे, और यहाँ पे फ्रेश फ्रेश मैंगो काट रहे हैं। OMG मैंगो। दिबांग को बला ली, कहाँ से लाया? डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ आसाम। कितना किलो? 1 किलो का कितना? हाय बमा, कैसे हो? कोई बात नहीं, हम लोग का पुराने जमाने के लोग ऐसे रहते हैं, अभी भी फॉलो कर रहे हैं, कोई बात नहीं, अच्छा बात है। और यह है बोपाई। हाय बोपाई, बहुत ही ज्यादा था लेकिन नहीं लाया, क्योंकि मतलब वही जब खाने के लिए दिल करेगा तभी लाएगा, और जस्ट मतलब अगस्त का लास्ट महीने को ही हम लोग काट के मतलब पूरा स्टॉक कर देते हैं, अभी मतलब स्टॉक नहीं करते, अभी पूरा उगने के लिए देते हैं। सो गाइस, अभी आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? हम लोग गांव में ऐसे ही अभी इससे मतलब बहुत ज्यादा मतलब बैम्बू शूट भी बनता है इससे ही, इसको मतलब काट के कोई कोई लोग बहुत ही दिन मतलब काट के ऐसे रख देते हैं, तो बहुत एक हफ्ता 2 हफ्ते के बाद बहुत गन मरने के लिए शुरू कर देते हैं उसको, मतलब काफी दिनों तक मतलब खाते हैं गाहुरी के साथ, पोर्क के साथ। तो वीडियो देखे कैसा लगा आप लोग कॉमेंट कीजिए, और बस ला लिया अभी, और एक दिन ऐसा वीडियो बनाएंगे इसको काट के कैसे खाते हैं भाजी बना के, वो भी हम एक दिन दिखाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लव यू टू वन एंड ऑल, और मेरा दोस्त का चैनल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय गाइस। इधर आओ मोइना, कहाँ सूख गया ये कहाँ सूख गया? यहाँ में छुपा हुआ है। क्या के लिए छुपा हुआ है? हाँ, क्या के लिए? कबड्डी कबड्डी कबड्डी। बाय बाय बोलो, बाय बाय, बाय बाय गाइस बोलो, बाय बाय गाइस बोलो। और ये है मुमाई मामा श्री। और यहाँ पे माँ पानी लेने के लिए गया था, पानी लेके आ गया है। यहाँ पे इस गांव में नेत्रोक तो है नहीं, नेत्रोक तो बिल्कुल भी नहीं मिलता है, और
पानी भी बहुत दूर से लाना पड़ता है। और गाइस आप लोगों का कृपा से घर धीरे 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 बन रहा है, और बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि घर दिखाओ। मैं अभी बिल्कुल भी मैं घर दिखाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ गाइस, समा चाहता हूँ दिल से, बाद में दिखाऊंगा घर, अभी बन रहा है, बन लेने तो उसका बाद आराम से दिखाएंगे। आप लोग वेट कीजिएगा वो वाला वीडियो, ठीक है दोस्तों। काफी जरा भूख लग रहा है दोस्तों, यहाँ पे भाभी मेरे लिए खाने के लिए कुछ बना रहा है। ओहो, बेम्बू लाया था अभी, बना ही दिया बेम्बू का भाजी, बना ही दिया फट से हो गया। बेम्बू काट के लाया था, बेम्बू का भाजी बना दिया भाभी ने। ये मिर्चा खोल के दे दो भाभी एक पैकेट, और ये खाना निकाल दिया दोस्त के लिए और मेरे लिए। क्या नासा ना लासना नहीं, ORS बोलो। क्या ORS बोलो? ORS 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 नहीं ORS। तो यहाँ पे मम्मी और बेटी जो ORS का कुछ खाएगा शायद। अभी जो हम लोग बेम्बू लाया था ना वो वाला बना ही दिया भाभी, जल्दी बना दिया। हाँ बढ़िया। तब तो देखो गाइस ये है बम्बू, ये अभी बम्बू काट कूट के बॉयल करके पानी फेंक के फिर से भाज दिया है यहाँ पे बम्बू, और यहाँ पे अंडा फ्राई और सूखा। चलो खाते हैं, खाओ दोस्त। होगा खाएगा, खाइए शर्म ना कीजिए। होगा हम लोग ऐसे ही खाते हैं, एक्स्ट्रा से अगर खाना चाहिए तो। और गाइस ये वाला थाली मेरा नाहरलगन का, मेरा एक मम्मी ने दिया था नाहरलगन का मम्मी, और हम इसी थाली से हम लोग खाना खाते हैं, हम खाते हैं, इतना ज़्यादा खाना नहीं खा पाएगा। तो गाइस अभी फिर खाना खाते हैं, चलो। ये है बेम्बू शूट। खा के बहुत ही ज़रा टेस्टी लग गया। आप लोग भी आइएगा नोटिस स्पेशल मी, और बेम्बू शॉट कैसे बनाते हैं हम सिखाएंगे, हमको भी पूरा आता है, हम भी पूरा एक जमाने पे हम कुक था। एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1 2 3 टीवी में एक दिन दिखा लिया था ऐसे ऐसे पैर उठाते हैं, टीवी में देखा था एक दिन, दूसरों का घर का टीवी, हम लोग घर में तो टीवी नहीं है, दूसरों का घर में जाके देखा था टीवी में, पैर को ऐसे ऐसे उठा के एक्सरसाइज किया था, उस दिन से एक्सरसाइज करता है ये। चलो 1 2 3 वाओ। ये क्या एक्सरसाइज है? हाँ अभी बोलता हूँ, थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय, लव यू।